गीता, महाभारत, वेदास, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल आज के नए परिवेश में कैसे हो सकता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन तमाम चीज़ों को लाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी में इन तमाम चीज़ों से कुछ अलग अलग चीज़ें उठा करके एक नया कोर्स बनाया गया है जिसको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडियन नॉलेज सिस्टम का नाम दिया गया है। और इस कोर्स के माध्यम से कैसे बच्चों को आज के परिवेश की चीज़ों से जोड़ा जाएगा, इसको लेकर के बातचीत करने के लिए इस विभाग की जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर कौशिक सिंह वो बताते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। ये क्या नया कोर्स आप लोग शुरू कर रही हैं, किस तरीके से बच्चे हमारे वेदास के माध्यम से और तमाम चीज़ माध्यम से नए परिवेश से अपने आप को जोड़ पाएंगे? जी, ये मेरे यहाँ सर्वप्रथम सबसे पहला पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडियन नॉलेज सिस्टम शुरू होने जा रहा है, जो कि 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स है। और इसका इनटेक, द नंबर ऑफ सीट इन दिस इज 20। वी हैव फर्स्ट, क्योंकि नया लॉन्च कर रहे हैं इसको, तो इसमें 20 हम लोगों ने निर्धारित करी है। और आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जैसे कि NEP 2020 के उस पे हमें ये कहा गया है कि हर सिलेबस में हमें अपने इंडियन नॉलेज सिस्टम को रखना है, 20% पार्ट उसमें, 10% जिसमें आ रहा है हमको में उसको इनकलकेट करना है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इसका शुरू करें, चूँकि बच्चे जब ग्रेजुएट हो जाएंगे तो डेवलपमेंट है उनका, एजुकेशन नॉलेज उनके पास है, दे हैव गॉट ग्रेजुएट डिग्री। लेकिन जब हम हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम जब डीप रूट ऑफ द स्टूडेंट की बात करते हैं, केवल सब्जेक्ट के साथ नहीं, अपने भारतीय परंपरा की जब हम बात करेंगे, पद्धति की बात करेंगे, तो कर्मयोग की बात करेंगे जो कि भगवद गीता में सब कुछ लिखा हुआ है, कैसे बच्चा कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल इन अ वेरी फॉर्मलाइज मैनर। तो अगर हम बात जब मैनेजमेंट की इस परिभाषा की करते हैं तो बात आती है कि बच्चे को सारी चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। देखिए, जब बात करते हैं हम लोग कि कैसे उसमें उत्पत्ति हुई, कहाँ से ये जागा, कहाँ से नॉलेज हमें मिली, तो माँ सरस्वती भी याद आती हैं क्योंकि वो देवी हैं नॉलेज की। तो माँ सरस्वती की भी बात आती है, भगवानों की बात आती है, गॉडेस की बात आती है, सबकी बात आती है। हमारे वेदास में, हमारे पुराण में, हमारे महाभारत हो, चाहे गीता हो, सब में सारे सार लिखे हुए हैं। लेकिन उस सार को बच्चों तक पहुँचाने के लिए उसमें क्या चीज़ हमारे इस कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, लीडरशिप स्टाइल है, हमने सब देखी लीडरशिप स्टाइल, तो उस लीडरशिप स्टाइल को भी हमें अगर पढ़ाना है अपने बच्चे को, तो हमें वहीं से लेकर के उसे पढ़ाना है। वी हैव टू कलेक्ट, वी हैव टू रिकॉर्ड, वी हैव टू असिमिलेट एंड टू गिव टू स्टूडेंट्स। तो इसलिए इसी उद्देश्य से कि बच्चा का पूरा विद्यार्थी का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, कहीं से भी वो भटके नहीं। तो जैसे क्या चीज़ें मैम, जैसे महाभारत की बात की, गीता की बात की जाए, क्या चीज़ें वहाँ से लेकर के उसको कैसे आज के परिवेश में कैसे जोड़ा जा रहा है, मतलब कैसे जोड़ा? हम इसको इस तरह जोड़ सकते हैं, जब हम महाभारत की बात करते हैं, सेल्फलेस सर्विस की बात करते हैं, कर्मयोग की बात करते हैं, तब हम बात करते हैं कि, या लीडरशिप स्टाइल की बात करते हैं, तो हमने महाभारत में देखा अर्जुन के जितने भी, श्री कृष्ण के साथ अर्जुन के जितने भी संवाद हैं, सब कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन देते हैं, दे आर मोटिवेशनल, एंड वी टीच मोटिवेशनल थ्योरीज इन आर मैनेजमेंट एंड इन कॉमर्स ऑल्सो। तो जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, लीडरशिप की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, प्लानिंग की बात करते हैं, तब हमें इन सब चीज़ों की, इनके जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। और हम इसी उद्देश्य से इस को ले करके आ रहे हैं कि जो भी हमारा बच्चा होगा, शायद वो जब पूरा सर्टिफिकेट कोर्स प्राप्त कर लेगा तो उसके अंदर खुद में अपने एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और सेल्फ मोटिवेटेड भी वो होगा कि हाँ, हम फ्यूचर में कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात है जो आजकल मुझे लगता है कि बच्चे जो फॉरेन भागते हैं कि हमने कुछ कर लिया तो UG, अगर मम्मी ने पापा ने यहाँ से जबरदस्ती कराया तो PG तो हम फॉरेन से करेंगे, तो इसके लिए भी ये जरूरी है कि क्योंकि वो इतना जुड़ाव नहीं है। तो ये हमारा जो डीप रूट है हमारा भारत का, इसके साथ जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, और यंग स्टूडेंट्स का जुड़ाव और ज़्यादा होना चाहिए, और यही एक उद्देश्य है हमारा इस को लाने के लिए। मतलब हम अपनी जो अपनी पुरानी परंपरा है, सनातन परंपरा है, उससे कैसे जुड़ पाए? बिल्कुल, हम उसी सनातन परंपरा से ही जुड़ने के लक्ष्य से ही इसको लेकर के आए हैं। इसमें जैसा आपने कहा 20 सीटें हैं, हाँ। और उसमें 10 सीटें उसके लिए होंगी रिजर्व, बाकी कौन इसमें एडमिशन कैसे पा सकता है, क्या प्रक्रिया है एडमिशन, हाँ। पाने की? इसमें जो भी ग्रेजुएट होगा फ्रॉम एनी डिसिप्लिन, मे बी एन आर्ट्स, मे बी अ साइंस ग्रेजुएट, एनी बडी हु वॉन्ट्स टू डू, बिकॉज इट्स ओपन, दे कैन लर्न दिस ना इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। तो जो भी UG पास है इन एनी डिसिप्लिन कैन टेक पार्ट इन दिस, कैन टेक द एडमिशन इन दिस, एंड इट इज़ ऑन मेरिट बेसिस। हाँ, और बाकी कुछ कोर्सेस आपके डिपार्टमेंट द्वारा जो शुरू किए जा रहे हैं? हाँ, एक हम लोग भी सर्टिफिकेट कोर्स इन टैली एंड अकाउंट्स कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ
हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में बहुत ज़्यादा आते हैं बच्चे, जब वो अकाउंटिंग करते हैं तो हमने ये पाया कि वो अकाउंट्स उनकी अच्छी है, वो अच्छे से कर लेते हैं। थ्योरी में लिखने में थोड़ा सा उनको दिक्कत होती है, लेकिन दे डू वेल इन अकाउंट्स। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो HOD सर हैं, प्रोफेसर पुष्पेंद्र मिश्रा सर, उनके साथ हम लोगों ने मिल करके उनके ही गाइडेंस में हमने बेसिकली इसको टैली को शुरू किया, क्योंकि सर अकाउंट्स को ही फील्ड के हैं। तो हमारे पास सुविधा भी है, क्योंकि हमारा जो लाइब्रेरी है इसमें वी हैव 85 कंप्यूटर्स हेयर, तो हमने उसकी परमिशन अपने पुस्तकालय के डायरेक्टर से ले ली थी। उन्होंने हमें रिटर्न में परमिशन भी दे दी है कि आपका जो भी टाइम टेबल होगा उसमें हम बच्चों को टैली, बिकॉज फॉर टैली वी नीड दिस कंप्यूटर एंड वी हैड दिस कंप्यूटर इन आर लाइब्रेरी, तो यहाँ पे आके बच्चे सीखेंगे। टैली सीखने से ये है कि जब वो पेपर पे करते हैं और कंप्यूटर पे करेंगे, इनमें बहुत सारे हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के पास टैली के कुछ के पास सर्टिफिकेट्स हैं भी, लेकिन फिर भी जब उनसे हम कहते हैं कि आप करिए तो वो उतना कर नहीं पाते हैं उसको। तो इसी नॉलेज को, क्योंकि आजकल हर चीज़ आप देख रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड हो गई है, रोजगार परक भी होगा उनके। हाँ, इट इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और बिल्कुल रोजगार परक है कि आप अपने आप ITR फाइल कर सकते हैं बच्चे, अपना बैलेंस शीट किसी भी कंपनी में जा करके उसकी बैलेंस शीट वगैरह को कंप्यूटराइज्ड कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह जो भी निकालना है कंपनी का। छोटी छोटी कंपनियों में अकाउंटेंट की जितनी भी जॉब्स होती हैं उसमें दे आर एलिजिबल आफ्टर डूइंग दिस सर्टिफिकेट कोर्स। तो ये बहुत ही रोजगार परक है, और इसको हमने इसी उद्देश्य से बनाया कि जैसे ही बच्चा पास करे सीधे उसको नौकरी मिल जाए। इसमें कितनी सीट्स हैं? 20 वही प्रक्रिया, वही यूनिवर्सिटी लेवल पे तय हुई है। फीस एंड ऑल इज डिसाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी। बिल्कुल, तो अगर आप टैली और अकाउंटिंग का भी कोर्स करना चाहते हैं उसके लिए भी सर्टिफिकेट कोर्स है। इसके अलावा अगर आप अपनी जो सनातन परंपरा है, अपने जो पूर्वजों का जो ज्ञान है, या यूँ कहें कि हमारे वेद और पुराण में जो चीज़ें लिखी हैं उसको आज के परिवेश में कैसे हम जोड़ करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के भी यूनिवर्सिटी में एक कोर्स शुरू है जिसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। विवेक राय, ABP लाइव के लिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.